कि सब छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। कोई हमें समझने वाला ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हम खुश हैं, दुखी हैं, जिसे जितना प्यार देते हैं वो उतना ही हर्ट करता है, जिसे जितनी वैल्यू देते हैं वो उतना ही ज्यादा दिल दुखाता है। लाख कोशिश कर ले किसी को खुश नहीं कर पाते, अपना सब कुछ देकर भी किसी का दिल नहीं जीत पाते। प्रेम के लिए, खुशी के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, पर बदले में और दर्द मिलता है। बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं, मैं 3 सवालों का जवाब एक साथ देना चाहूँगा। एक सवाल किसी ने पूछा है कि सर, आपने बताया कि जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप इतने मैच्योर नहीं हैं, तब आप रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकते, पर अगर कोई स्टडी के टाइम पे हमारी हेल्प करता है, हमको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, हमको सपोर्ट करता है, तो क्या स्टडी पीरियड में रिलेशनशिप में जाना गलत है? और दूसरा सवाल किसी ने पूछा है, सर एक रिलेशनशिप में जाने के लिए सही एज क्या है? और तीसरा सवाल किसी ने पूछा है, आजकल रिश्ते इतने हल्के क्यों हो गए हैं, क्यों रिश्ते ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाते? इन 3 सवालों का मैं कंबाइंड जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मैंने ये कभी नहीं कहा कि स्टडी टाइम पे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, और ना ही ये कहा कि जाना चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब तक कोई इंसान मैच्योर नहीं है, वो रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकता। जैसा कि सवाल पूछा गया है कि कोई अगर हमें सपोर्ट करता है, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, हमारी स्टडी में हेल्प करता है, इसका मतलब वो इंसान मैच्योर है। अगर आप मैच्योर हैं तो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएंगे। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और जो ये सवाल पूछा गया है कि रिलेशनशिप में किस एज में जाना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल एज। आपके शरीर की एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मेंटल एज से बहुत फर्क पड़ता है। सारा खेल आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। शरीर से तो आप बड़े हो जाते हैं, पर मन और भावनाओं से आप बहुत छोटे रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। तो ऐसी हालत में जो भी रिश्ते आप जोड़ते हैं, वो खुशियों की जगह आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ले आते हैं। अगर कोई रिश्ता आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, आपके सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करता है, आपको बंधन नहीं देता, आपको पंख देता है, आपको उड़ने के लिए इंस्पायर करता है, आपके सपनों को सच करने में आपका साथ देता है, तो वो रिश्ता बहुत अनमोल होता है, वो इंसान बहुत अनमोल होता है। सारा खेल अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी का है। इसीलिए ही तो रिश्ते जोड़े जाते हैं कि हम बेहतर इंसान बने, हमारी जिंदगी बेहतर बने, खूबसूरत बने। और आजकल रिश्ते लंबे टाइम तक इसीलिए नहीं टिकते, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम हमें यही सिखा रहा है, सारी दुनिया हमको यही सिखा रही है, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, सारे स्पीकर्स आपको यही सब सिखा रहे हैं कि भागो, दौड़ लगाओ, अर्न मनी, अर्न सक्सेस। पर कभी आपने सोचा कि आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर किस कीमत पर? सारे दोस्तों को खोकर, जिंदगी को खोकर। आपने दुनिया भर की सफलता हासिल कर ली, दुनिया भर की डिग्रियां हासिल कर ली, पर किस कीमत पर? अपनी हेल्थ को गंवाकर, अपने प्यार को गंवाकर। सारे स्पीकर्स आपको यही सिखाते हैं कि नींद करना छोड़ दो, बस दौड़ लगाओ, लग जाओ दौड़ में। हाँ माना, जिंदगी में सक्सेस की वैल्यू है, मनी की वैल्यू है, पर आपकी नींद से ज्यादा नहीं, आपकी हेल्थ से ज्यादा नहीं, आपके प्यार से ज्यादा नहीं। लाखों करोड़ों लोग दुनिया में सक्सेसफुल हो गए, रिच हो गए, सब दफन हो गए शमशान में, मर गए ना। इन द एंड ओनली 3 थिंग्स मैटर, हाउ वेल वी लव्ड, हाउ वेल वी लिव्ड, हाउ वेल वी लर्न्ड। जिंदगी के आखिर में बस ये 3 बातें ही मायने रखती हैं, कि हमने जिंदगी को कितना अच्छे से जिया, कि हमने जिंदगी में कितना प्यार पाया, कितना प्यार किया, और हमने जिंदगी में कितने अच्छे से जिंदगी को जीना सीखा। क्या फर्क पड़ता है अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाएं, आपके अपने ही साथ ना हो तो? क्या फर्क पड़ता है आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं और आपकी हेल्थ ही खराब हो जाए, आपका शरीर ही बिगड़ जाए? हमने देखा है ऐसे लोगों को, पूरी जिंदगी भर की दौलत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ कुछ चंद सांसों को पाने के लिए। तो किसकी वैल्यू ज्यादा हुई, पैसों की, सांसों की? किसकी वैल्यू ज्यादा हुई, सक्सेस की
या लाइफ की, किसकी वैल्यू ज्यादा हुई, प्यार की या आपके रिच और सक्सेसफुल होने की। सारा सिस्टम हमें यही सिखा रहा है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें यही सिखा रहा है, हमारी सोसाइटी हमें यही सिखा रही है, दुनिया भर के टीचर्स, दुनिया भर के स्पीकर्स बस यही सिखा रहे हैं, दौड़ो, जल्दी दौड़ो, नहीं तो और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। और बस हम दौड़ते जाते हैं। जब जिंदगी के आखिर में हम पीछे मुड़ के देखते हैं, सक्सेस तो मिल जाती है, पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी खो जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है, बात सिर्फ मैच्योरिटी की है। रिश्ते दुख नहीं देते, सच है कि हमें रिश्ते निभाने नहीं आते, हमें रिश्ते संभालने नहीं आते। हम न खुद को समझ पाते हैं कभी, न लोगों को समझ पाते हैं। क्यों नहीं आपसे कोई प्यार करेगा जब आप निस्वार्थ किसी से प्रेम करें तो? आप शायद मानोगे नहीं, पर आपका प्रेम भी निस्वार्थ नहीं होता। आप प्रेम करते हो इसलिए क्योंकि आप चाहते हो वो भी आपको प्रेम करे। आप प्रेम करते हो बदले में प्रेम की उम्मीद के साथ। ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है। अब आप कहोगे, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम की आशा तो होगी ना? जहां बदले में कोई भी उम्मीद है, कोई भी आशा है, तो अभी तक आपने उस सच्चे प्रेम को जाना ही नहीं। आजकल रिश्ते इतनी जल्दी इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि ये सिस्टम ही अजीब हो गया है। कोई प्रेम को महत्व दे ही नहीं रहा। हर इंसान दौड़ में लगा है कहीं पहुंचने के लिए, पर चाहे जितना भी दौड़ लो, एक दिन जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। वो सब लोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी से चले जाएंगे जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं। जितना भी दौड़ लो, पर जिंदगी के आखिर में ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितने सक्सेसफुल और रिच हैं। बस कुछ मायने रखता है तो ये कि आपने कितना प्यार पाया, कि आपने कितना प्यार को जिया, आपको कितना प्यार मिला, आपने इस जिंदगी को कितना खूबसूरत तरीके से जिया। बाकी तो सारी चीजें कुछ मायने ही नहीं रखती।